today. Bypass Road is coming. Neil is producing it, acting, direction. Almost half the department is here. The writer is here. So our whole team almost here. Free media is here. It's fun. This is a better opportunity. Let's make the most of it. Your guest, tell them to wait outside. Let them out. Oh yes, and today we've launched the song of our film Bypass Road. It's one of the most iconic songs on our series, very iconic. Sung by Neil's father, Mr. Nitin Mukesh. It's called So May I Le Jaha. But many trauma key because it's coming part of our life issues. That's fine. Sound wale dada. Zara sa haath khada kar. दादा थोड़ा सा वो मिलेगा रिवर्ब मिलेगा। हेलो चेक थोड़ा सा और नीचे रख दीजिए। लेट अस फील इट। हाँ कैन यू गाइस फील इट? यू गाइस फील द रिवर्ब? यू गाइस फील द क्या है? नाइस। दिस इज नॉट वन ऑफ दोस फीलिंग्स नॉट दोस नाइस गाइस सब चेक कीजिए। नाउ गाइस यू वांट टू सी देखो भाई साहब इतने पैसे कितने मिले Yes, I remember 10 years back.
they want us to work together. And it's a very weird conversation because I'm not a designer, I'm not a showstopper, but we have to work. Anyways, music? Pictures maybe. Two microphones. Thank you so much, Exhibit Magazine, for their very first Tech Awards, for giving me the Fashion Icon of the Year. I think hamesha acha lagta hai when you get an award. It's always a great feeling and humbling. But I just like to thank Exhibit Magazine. I think fashion, it's part and parcel hamare kaam ka. In my line of work, I think fashion is very important, and maza bhi aata hai because I think we get a chance to dress, we get a chance to wear some of the most amazing designers, to work with some of the most amazing makeup and hair artists, you know, stylists. So I think it maza aata hai. Well, I think gowns pehante hain on the red carpet. So we thought this time, let's not wear a gown, let's, you know, wear something a little more fun. And that's why I'm wearing this today. Tips? Well, the only tip I have is come to Diva Yoga and work out with me. Well, I like every Indian and all his fans around the world,
I'm also a huge Mr. Bachchan fan, so I'd like to take this opportunity to wish him a very, very happy birthday, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया आप कैसे हैं ओके सो नितिन जी बहुत ही अच्छा शो हमने देखने को मिला आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत-बहुत शुक्रिया 12 साल से एसोसिएशन है नरेंद्र कुमार जी के साथ मैं अगर कह सकता हूं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे कपड़े पहनना किसी ने अगर सिखाया है तो नारी सर ने ही मुझे ये फैशन पोर्शन हमेशा तो जब भी मैं इनके कपड़े पहनता हूँ जब भी सूट इनके पहनता हूँ कोई मेरा ऐसा ओकेजन मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी ऐसा नहीं है जहाँ मैंने सर के कपड़े नहीं पहने और कॉन्फिडेंस महसूस नहीं किया सर को कभी बाईपास नहीं किया अच्छे कपड़े पहनना अच्छे कपड़े पहनना सिखाया हमने तो आजकल आपने सब लोग ने देखा होगा कि सबसे बड़ी फिल्म थी जो अभी अभी आई थी मार्वल कॉमिक्स की एंड गेम उस पर आधारित था पूरा कलेक्शन मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक स्पेस एज लेकिन शार्प टेलरिंग जैसे दिखा है वैसी सब चीज़ है मैं बहुत आज कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ पहली बार मैंने अपनी लाइफ में फ्यूजन ऐसा किया है जो टक्सीडो के साथ स्नीकर्स पहने और ज़्यादातर मैं जब कोई रेड कार्पेट इवेंट होता है तो बहुत ही प्रॉपर ड्रेस करना चाहता हूँ मगर आज पहली बार वापस गुरुजी ने सिखाया है कि स्नीकर्स के साथ भी तुम एक बार कोशिश करो ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई समान है मेरे दोस्त तो हैं ही बहुत बहुत यू नो तो बट थोड़ा एक एक प्रश्न था कि करूं नहीं करूं थोड़ा झिझक रहा था कि स्टेज पे ऐसे कैसे ऐसे जूतों के साथ कभी कुछ इनकम्प्लीट लगता है ना मगर जैसे ही इन्होंने पूरा ड्रेस अप मुझे किया आईने के सामने खड़ा कर लिया आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज बहुत बहुत ज़्यादा इन एक्सपीरियंस है बहुत रैंप पे चले बट उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ जब मैं इनके कपड़े पहनता हूँ अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हो रही है बाईपास रोड तो आज सो गया गाना रिलीज़ हुआ तो सो गया का भी पूरा जो स्टाइलिंग है सर ने किया है तो पता नहीं ऐसा शायद कुदरती है कि कोई भी मेरी लाइफ में बड़ा ओकेजन हो या कुछ भी इम्पोर्टेंट हो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हमारा ज़रूर बैठ जाता है तो ये भाईचारा जो ये दोस्ती ये एक रिलेशनशिप है मैं हमेशा चाहता हूँ कि बरकरार रहे और आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज awesomeness he is one of the finest in the country in the world and I always maintain that no one stitches a suit better than Mr. Narendra Kumar ek hi cheez kehna hai he is a good man you know ji main bible suit ki baat karu usse ji aapne dekha saho ko sari duniya ki aapne suit kiya aap kya feel karte hain jab ek film aapki aati hai bahut hi hit hoti hai na usse aapka bhi special feel hota hai bilkul nahi bas अगर अगर वही बजट इस फिल्म की होती तो शायद वैसा महसूस करता मगर वैसा बजट है नहीं बाईपास रोड एक बहुत ही सिंपल बजट पर बनी हुई है मगर बेहतरीन फिल्म है कहानी बहुत ही दिलचस्प है जिस किस्म से नमन ने इस कम उम्र में निर्देशक के रूप में उस फिल्म को सींचा है मेरा मानना है कि बहुत ही कठिन एक सब्जेक्ट है थ्रिलर जिससे हम डेब्यू नमन ने किया है मैंने 12 साल पहले जॉनी गद्दार में ऐसे ही एक सब्जेक्ट के साथ डेब्यू किया था मगर उस समय एक्टिंग के तौर पे मुझे लगा कि शायद आज जब मैं नमन को देखता हूँ काम करते हुए तो वो बहुत आसान था नमन का ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल किरदार है इस फिल्म में और रोल द वे ही प्लेड हिज रोल एज द कैप्टन ऑफ द शिप इज इमेंस इट्स इम्पेकेबल इट्स आउटस्टैंडिंग मैं आपके प्रश्न पे यही उत्तर देना चाह रहा था कि इनके गाड़ी में रियर व्यू नहीं है जो पीछे हो गया वो हो गया सिर्फ आगे दिखना चाहिए like तो ऐसे ही है बाईपास का भी आई कंप्लीटली एग्री विद दैट साहो वाज अप्रिशिएटेड एंड लव्ड बाय ऑल ऑफ यू ऑल इट बिकेम सच अ मॉन्स्ट्रस हिट आई जस्ट होप दैट ऑल दैट सेम लव एंड अफेक्शन यू ऑल गिव नमन यू ऑल गिव मी फॉर बाईपास रोड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इट्स अ मर्डर मिस्ट्री इट्स अ हू डन इट बहुत कम मर्डर मिस्ट्रीज देखने को मिलती है
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियंस ये फिल्म ज़रूर पसंद करेगी जी। बहुत शुक्रिया जी। हियर इज़ विशिंग मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई हैड द प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ वर्किंग विद हिम इन अ फिल्म कॉल्ड रसीद। माई करियर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट इफ आई हैड बीन वर्क विद हिम। अमित अंकल ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैव अ सुपर ईयर। Very, very happy return to the day, Mr. Bachchan. Lovely to have worked with you. Always have the respect for everything that you have done and the respect for how you treat every other human being. Lovely. Thank you. How are you? I'm good. How are you? Very well. I think आज बहुत स्पेशल था बिकॉज ऑफ कोर्स वन ऑफ आर स्पॉन्सर्स इज कारवान एंड हमने आई थिंक जो जितने भी गाने गाए आई थिंक इट वॉज ऑलवेज लाइक इट्स अमेजिंग टू सिंग ओल्ड सॉन्ग्स क्योंकि उन्हीं गानों को सुन के हमने यू नो गाना शुरू किया था। सो वी सैंग खोए खोया चांद एंड आई एम मेहरबान फ्रॉम द कारवान सारे नो आई थिंक द ब्लैक एंड वाइट एरा समथिंग एल्स एंड यू नो आई बीइंग सिंगर्स टू सिंग समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू फैशन वेयरिंग सम अमेजिंग क्लोथ्स आई थिंक द इंटायर फीलिंग इज अमेजिंग। सो थैंक यू a big thank you to Narendra Kumar for giving us these beautiful clothes and team exhibit for having us. Thank you. I think bahut amazing concept hai, you know. Of course this event is about fashion and technology and because of us you know it's a little bit of music also and I think it's amazing. We came to exhibit last year also and we met you but this time we sang and I think the whole experience has been so beautiful. The whole we are wearing Narendra Kumar and we've actually tried to match our because looks. That's what we do hamesha thoda hum common mein rakhte hain apne kapde and we absolutely so. Love Narendra Kumar's FKNS line and you can see that's the belts we're wearing yeah. And we absolutely it's love really that cool line. And you know very comfortable, very comfortable. बेस्ट फीलिंग होती है आई थिंक एज अ सिंगर यू नो व्हेन यू मतलब जितना ही टाइम यू नो मज़ा आता है स्टूडियो में गाने बनाने के लिए उससे ज़्यादा मज़ा आता है स्टेज पे लाइव परफॉर्म करके आई थिंक देयर इज नो बेटर फीलिंग देन एक्चुअली सिंगिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई थिंक स्टेज शोज इज लाइक अ टू वे फीलिंग तो एक तरह से हम उनके लिए गा रहे होते हैं एंड व्हेन दे सिंग बैक विद अस आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर एवरी परफॉर्मर इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन ऑलवेज एंड बहुत मज़ा आया था। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। सुकृति का कल गाना रिलीज हो रहा है ये एक मूवी है ड्राइव यू नो विच इज़ रिलीजिंग ऑन नेटफ्लिक्स नाउ एंड इट्स रिलीजिंग टुमारो इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन आई थिंक यू नो दैट एंड आई सॉन्ग फॉर जैकलीन इज कमिंग आउट टुमारो सो दैट्स माय नेक्स्ट एंड आई थिंक बिफोर ये साल खत्म होगा हमारा अगला सिंगल भी आ रहा है दिसंबर फर्स्ट दैट इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग सॉन्ग क्योंकि वो हम दोनों ने लिखा है और कंपोज किया है एंड सेकेंड टाइम डूइंग दैट एंड इट्स फीचरिंग अस ऑल्सो सो बिफोर द ईयर एंड्स यू हियर दैट नहीं अभी आ सकते कल जो तो देख लिया है तो अभी बात कर सकती हूँ आई थिंक वो सिंगल बहुत स्पेशल है क्योंकि हम पंजाबी लड़कियां हैं तो हमने पंजाबी गाना बनाया एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म सॉन्ग सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि यू नो इट्स गोना बी फीचरिंग अस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वी प्लेड इट टू ऑलरेडी लव दैट सॉन्ग सो आई कांट वेट टू शेयर इट यू हैव अ फीलिंग दैट यू ऑल विल लव इट सो वी कांट वेट टू शेयर इट वेरी वेरी सून ऑफ कोर्स Wow. I just please. Want to say happy birthday Amit ji thank you for all nahi main sirf bolna chahti hu hai jaise wo bolte hai na mere dad bahut unko acha imitate karte hai main nahi kar sakti hu but hamare ghar pe wo joke hai jab wo Amit ji ka kuch bhi hai hota hai to hamare ghar pe joke hai so I just want to say happy birthday sir and hi thank you so much okay थैंक यू बहुत ही अच्छा शो हमें देखने को मिला तो बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद द ऑन द रैप बाय फार दिस इज़ वन ऑफ द सिकेस्ट
fashion shows I've done in my entire career up to now. Bahut maza aaya. I've never done something like this. And the combination of fashion and technology, I think it's deadly. थीम था फैशन और टेक्नोलॉजी को टुगेदर यूज़ करना था, पर हमको ये भी बोलना था कि अगर फैशन और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एलियन बने, उसमें ब्यूटी भी होता है. इसलिए मैंने इनके ऊपर, आप देखोगे अगर पूरा शो तो सबके ऊपर लाइट था, पर इनके ऊपर लाइट नहीं था, क्योंकि विदाउट यू कैन चूज़ द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यू वॉन्ट इन योर लाइफ. तो इससे इनके ऊपर जो ये साइज, ये जो ग्लो इन द डार्क है, इट्स अ नाइट फॉरेस्ट. तो हम चूज़ कर सकते हैं हमको कितनी टेक्नोलॉजी हम लोग की लाइफ में चाहिए. सो दे कैन स्टिल बी ब्यूटी इन इट. मेरे लिए कम्फर्टेबल बनाया गया है. सीरियसली आई कैन मूव अराउंड विद इट. इट्स फन. आप कभी ट्राई करके देखा. व्हाई नॉट. आई मीन ये हम फ्यूचरिस्टिक दिखा रहे हैं. इमेजिन अगर हम ऐसा कुछ कभी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर पाए और हमें शोज़ में ही ये क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है. आई मीन आप जो भी देखें वो एक इट्स अ इमेजिनेशन ऑफ हर. इट्स हर इमेजिनेशन. सो यू कैन सी हर इमेजिनेशन कितना कलरफुल एंड विविड डिफरेंट है. फॉर मी फैशन इज स्टोरी टेलिंग एक्सप्रेसिंग. जैसे कि आप डे टू डे, इवन जो लोग बहुत ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, जैसे हम अगर किसी शादी में जाते हैं हम बहुत खुश हैं तो हम सज धज के जाते हैं. अगर हम किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं तो वी ड्रेस अकॉर्डिंगली. इट्स यू नो आप एक्सप्रेस कर पाते हो थ्रू फैशन, थ्रू योर क्लोथ्स. आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं ऐसा नॉर्मली ये मेकअप नहीं करती हूँ. या द क्रेडिट गोज़ टू माय टीम. सॉरी. अभी तो खैर मैं एकदम ही दरवाजे पे पहुंचा हूं, तो आई एम श्योर जो अंदर शोज़ होंगे और जो फैशन इवेंट है, एक्चुअली रमेश सुमानी जिनकी मैगजीन है एग्जिबिट, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. एंड आई नो दैट ऑल दैट ही हैज़ पुट टुगेदर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ही हैज़ कम अप अ लॉन्ग वे एंड ही हैज़ पुट सम ग्रेट इवेंट्स टुगेदर एंड ही इज़ गॉट सम ग्रेट जॉइंट वेंचर्स. And I'm very, very sure that whatever he has done today, and I'm sure it's a great stage to be a part of. And I'm really looking forward to some great fashion event and some great clothes on the ramp and some good fun after that. Yeah. Fashion important? I don't know how important it is, but for me, fashion means your personal style, and whatever you are comfortable with, whatever enhances you from inside, it helps you be in a good mood and enhances your being, your existence, is what fashion should be to you, and not just a blind follow of any trend. And you know, beautiful,
ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक डिज़ाइनर जैकेट है जो मुझे एक डिज़ाइनर से मिली थी. तो I thought today I'm going to attend a fashion event, why not wear a designer jacket, so which is why I'm wearing this jacket. अरे बाप रे, अच्छा ये इसका मुझे ज्ञान नहीं था, but now since I know about this, I'd like to wish Mr. Amitabh Bachchan a very very happy birthday. I think you know, I'm just too small to even say anything or wish him anything on his birthday, but dear Mr. Bachchan sir, you are the biggest legend, you are the biggest phenomenon that this country has ever seen, and for me, or I'm sure for anybody else in this country who is an actor or wants to be an actor, you define the film industry in this country for us. Thank you so much for being there. God bless you. Thank you. Fashion shows. The last fashion show I was at was probably in my college, and so I'm really looking forward. I really want to be a part of this, see how it turns out. Beautiful, beautiful. Nee, mere paas gin ke 5 ya 6 shoe, wahi 2 3 shoe. Thank you very much. I appreciate it. There's always this crisis when I have to go out, and I open my wardrobe and I have nothing. At least that's what I feel. सो जो मिला पहला वो पहन लिया है, और हमारे बंदों के बंदों में इतना दिमाग नहीं लगाया जाता, जो पहली चीज़ होती है वही पहनते हैं. इट्स स्ट्रीमिंग नाउ, जमाई 2.0 इज स्ट्रीमिंग नाउ, एंड इट्स गॉड विलिंग इट्स डन वेरी वेल. सो सो जस्ट थैंकफुल हियर. आई मीन इट्स द फैंस विक्ट्री, दे आर द वंस हू एक्चुअली काइंड ऑफ यू नो दे वर द वंस हू wanted the show, and they wanted it with so much heart, they made it happen. Yeah, I think it's you have to dress well, you know, it's a part of being the best version of yourself. You have to talk well, you have to conduct yourself in front of people in the best possible way, you have to present yourself in the best possible way. So fashion is very important. मतलब उसमें एक aesthetic value जितनी ज़रूरी होती है आदमी के जीवन में, उतना ही fashion ज़रूरी होता है. तो अमित जी केवल इस सदी के ही नहीं, हम सबके जीवन में भी बहुत बड़े महानायक हैं, और उनका जन्मदिन मतलब वो हम सब के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है. सो गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, उनको बहुत लंबी आयु दे भगवान, उनको खूब खुशियाँ दें, और जीवन में इतनी सारी जो उनको विक्ट्रीज दी हैं, आगे भी खूब सारे उनको अ लॉट ऑफ विक्ट्रीज इन हिज लाइफ, दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर.